सब्सक्राइब कीजिए फिजिक्स रैंडम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये हमारे पास दो पार्ट्स में ये टॉपिक आता है। एक आता है सॉलिड मैकेनिक्स में एंड सेकंड वन इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। सॉलिड मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, जो सॉलिड शेप्स होती हैं जिनमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में इसमें हम सारी लिक्विड चीज़ों से रिलेटेड, फ्लूइड से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मैंने इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, सॉलिड मैकेनिक्स में एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में। यहाँ पे वो टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं जो मैं आपको सॉलिड मैकेनिक्स में करवाऊंगी, प्लस जो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम टॉपिक्स करने वाले हैं। बहुत बार क्या होता है, जब आप ये सॉलिड या फ्लूइड मैकेनिक्स करते हैं, मींस की प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करते हैं, तो कई बार ये डिवीजन नहीं गिवन होता और आप ऐसे ही पढ़ते हैं, तो कई स्टूडेंट्स को ये तक नहीं पता होता कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है ये हमारे दो पार्ट्स में आती है। तो ये वीडियो देखने के बाद में एटलीस्ट आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि सॉलिड मैकेनिक्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ते हैं एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ सॉलिड मैकेनिक्स में हमारे पास टोटल 6 टॉपिक्स हैं जो मैं आपको करवाऊंगी। फर्स्ट वन इज़ इलास्टिसिटी, सेकंड वन इज़ प्लास्टिसिटी, थर्ड वन इज़ स्ट्रेस, फोर्थ वन इज़ स्ट्रेन, फिफ्थ नंबर पे हुक्स लॉ एंड सिक्स नंबर पे टाइप्स ऑफ इलास्टिक कॉन्स्टेंट। इन टॉपिक्स को मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स हिंदी में समझते हैं चीज़ों को तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जिन्हें इंग्लिश में समझ में आता है वो इंग्लिश में देख सकते हैं। नाउ फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारे पास जो टॉपिक्स आते हैं, फर्स्ट वन इज हाइड्रोस्टैटिक या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, सेकंड वन इज थ्रस्ट एंड प्रेशर, थर्ड वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी डेफिनेशन आपकी एग्जाम में बहुत बार पूछी जा सकती है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्लूइड मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स आते हैं, लॉज आते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज डेंसिटी, नंबर 5 इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, नंबर 6 इज पास्कल्स लॉ, नेक्स्ट वन इज बायंट फोर्स, 8 नंबर पे विस्कोसिटी, उसके बाद में कैपिलरिटी, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बर्नौलीज़ थ्योरम, इसके बाद में है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस इसकी एप्लीकेशंस, ये आपसे एग्जाम में किसी भी वे में पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, स्टिल कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप प्लीज़ मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लॉ ऑफ फ्लोटेशन, उसके बाद में है आर्किमिड्स प्रिंसिपल। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। इसके बाद में जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है मैटर। मैंने हेडिंग में आपको बोला कि आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे, तो प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले मैटर वर्ड क्लियर होना चाहिए कि मैटर का क्या मतलब होता है और मैटर की डेफिनेशन क्या है। सो मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम, मीन्स की ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो प्लस वॉल्यूम हो। वॉल्यूम होने का क्या मतलब है कि वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई जगह घेरता है, ठीक है, तो इसे मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अ कार वुड बी सेट टू बी मेड अप ऑफ मैटर एज इट हैज मास एंड वॉल्यूम। इसमें एग्जांपल दे रखा है एक कार का। इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी नॉन लिविंग थिंग आप उसे मैटर बोल सकते हैं। एग्जाम्पल चेयर, टेबल, कोई भी चीज़, ये सब चीज़ें जिसमें मास हो और वॉल्यूम होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, इन्हें हम मैटर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर या प्रॉपर्टीज़, तो इनमें जो टॉपिक्स हैं ये पॉइंट्स मैंने ये बताने के लिए लिखे हुए हैं कि कोई भी अगर मैटर है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या 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 उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं या क्या उनकी स्पेशलिटी होती है, जिसकी वजह से हम उन्हें एज अ मैटर जज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी साइड। सेकंड वन इज़ मैटर्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड बाइंड देम टुगेदर। जो मैटर में
जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, जिसकी वजह से मैटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड रहते हैं और एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट वन इज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अगर सॉलिड है तो उसमें पार्टिकल्स में बहुत कम स्पेस होगा, बीच में गैप बहुत ही कम होता है। अगर लिक्विड हैं या फिर गैसेस हैं तो उनके बीच में जो गैप है या स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि किसी भी मैटर की स्टेट क्या है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर में और अच्छे से इसको पढ़ेंगे, अभी के लिए जस्ट आप इस पॉइंट को याद रख लीजिए। नेक्स्ट वन इज़ पार्टिकल्स आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग इन एनी डायरेक्शन। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ये स्पेशली लिक्विड्स और गैसेस में होता है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते, इसलिए वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। आई होप आपको करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारा मैटर है, जो जिसमें मास है, स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं। बेसिकली किसी भी मैटर की तीन स्टेट्स होती हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसेस। ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ये हम जब साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं सिक्स में, तभी से ये चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी सुनने को मिलने लग जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप साइंस में ये चीज़ें आगे पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, तब हमें ईच एंड एवरीथिंग समझ में आती है। तो ये जो टॉपिक्स हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस अगर आप CBSE या किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ये टॉपिक हेल्पफुल है। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर में फर्स्ट स्टेट है सॉलिड। सॉलिड्स क्या होते हैं, इसमें देखिए मैंने तीनों स्टेट्स में डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट जो डायग्राम है सॉलिड का, इसमें आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे के बहुत बहुत पास हैं, स्टिल इनके बीच में थोड़ा बहुत गैप है। नेक्स्ट वन इज़ लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा दूर हैं, और गैसेस में पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। अब सॉलिड्स में जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है सेम चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, प्लस मैंने इसे हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप सबको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टिल कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझसे डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बोलिए, मैं उसके ऊपर साइंस में वीडियोस लेकर आऊँगी। अब सॉलिड्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, दे हैव अ हाई डेंसिटी। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स के वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, और जो इनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसमें एग्जाम्पल है टेबल, चेयर एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज़ लिक्विड्स। अब देखिए लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर दूर हैं। मॉलिक्यूल्स हैव द एबिलिटी टू मूव अराउंड, अ लिक्विड विल टेक ऑन द शेप ऑफ कंटेनर। जो लिक्विड्स होते हैं इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकते हैं। प्लस लिक्विड्स की जो स्पेशलिटी होती है वो ये है कि जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, जैसे सॉलिड्स में शेप फिक्स होती है, ऐसे लिक्विड्स में कोई भी शेप फिक्स नहीं होती है। इनमें किस जिस भी चीज़ में कंटेनर में पार्टिकल्स को डाला जाता है या जिस भी कंटेनर में लिक्विड को डाला जाता है ये उसी की ही शेप ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है वाटर एंड मिल्क, दोनों लिक्विड हैं, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं है, आप इन्हें जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उसी शेप में चले जाते हैं। नेक्स्ट वन इज गैशेस। गैशेस में पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, इनमें पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, स्पेस होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ईजिली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं और बहुत स्पीड से मूव करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे गैशेस पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है, आपने क्वेश्चन पढ़ा भी होगा इवन 10th में, कि जो गर्म खाना होता है उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो हमें काफ़ी दूर तक आ जाती है और ठंडे खाने की नहीं आती है। तो यही वजह है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स का उनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। नाउ गैशेज में, इन गैशेज द एटम्स आर मच मोर स्प्रेड आउट दैन इन सॉलिड्स और लिक्विड्स। जो गैशेज पार्टिकल्स होते हैं उनमें सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। इसके अलावा जो एटम्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं रैंडमली विद वन अनदर। अ गैस फिल एनी कंटेनर, और जो गैस है उसे आप किसी भी कंटेनर में डालिए वो उसको पूरी तरीके से फिल कर सकता है, इसमें वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है।
अब गैसेस के गैसेस पार्टिकल या स्टेट्स ऑफ मैटर में जो गैसेस है इसके कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, ये एयर में प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई भी गैस हो सकती है। ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस थे, तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है विद एग्जांपल मैंने समझाया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा